आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सातवीं कक्षा के अंतर्गत पाठ संख्या 8, जिसका इस पाठ का शीर्षक है गिनती। तो छठी कक्षा में हमने 1 से 50 तक गिनती का अध्ययन किया था। गिनती का महत्व अर्थ ऐसा होता है, गिनती की क्रिया या गणना को हम गिनती कहते हैं। बहुत सी चीज़ों का 1, 2, 3 करते हुए गिनने की क्रिया का भाव को हम गिनती कहते हैं। उसी प्रकार वस्तुओं हो, व्यक्तियों हो आदि की कुल इकाइयों का जोड़ को गिनती कहते हैं। गिनती हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एक विषय को यानी वस्तुएं के जो संख्या है, और जैसे गणना करने के लिए या गणित मैथमेटिक्स के लिए जो है गिनती का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 51 से जो 70 दिया है, हम 100 तक इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी का भी जो संख्या दिया है इसे हिंदी में दिया है, तो हम अभी इसका उच्चारण करेंगे से 51, 52, 53, 54 आगे देखेंगे। पचपन, 56, 57, 58, 59, 60 आगे देखिए 60 के बाद 61, 62, 63, 64 जो अंग्रेजी में अभी शब्द देख रहे हैं उसका नंबर इस प्रकार लिखा जाता है हिंदी में 64, 65 आगे देखेंगे 66, 67, 68, 69, 70 इस प्रकार। इसके आगे का 71 से हम देखेंगे अभी, तो 70 के आगे देखिए 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 देखिए जो अंग्रेजी में हम इंग्लिश में जो संख्या है उसे हम याद रखते हैं, हिंदी के भी इस प्रकार लिखे जाते हैं, इसे भी आपको हिंदी में जो है गिनती को आना चाहिए, इसीलिए यह आप ध्यान में रखना है। आगे हम 80 से देखेंगे भी, जैसे देखिए 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85 आगे देखेंगे भी 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 95, 96, 97, 98, 99, 100 इस प्रकार जो है आज हमने 50 से लेकर 100 तक गिनती को हमने देखा। इसका यही महत्व है कि जो गिनने की क्रिया किस प्रकार होती है इसका आपको महत्व जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे 1, 2 करके हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, या व्यक्तियों को जो है संख्या मुख्यतः ये गणित विषय के लिए जो है आपको संख्या की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आज हमने यहाँ पर
इंग्लिश के नंबर के साथ साथ हिंदी में किस प्रकार लिखा जाता है, उसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, इसका हमने समग्र अध्ययन किया। इसको आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए और इसका उच्चारण जो है करते रहिए। आपको कहीं ना कहीं हिंदी में जब आपको संख्या की जरूरत होगी इसका उच्चारण करेंगे आप। तो हम इसके संबंधित उच्चारण के संबंधित एक वीडियो है उसे हम देखेंगे अभी। अस्सी
96। इस प्रकार हमने वीडियो के साथ उच्चारण को, गिनती की जो संख्या है उनका उच्चारण देखा। अब हम अभ्यास भाग में से कुछ यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरने हैं। नमूने के अनुसार खाली जगह भरो। यानी पर देखिए, यहाँ पर 54 जो लिखा है वह यहाँ पर इंग्लिश में है, हिंदी का संख्या है और यहाँ पर 54 करके लिखा है। उसी प्रकार 58 यहाँ आपको गृह कार्य के लिए यहाँ पर जो है हिंदी में इस संख्या को लिखना है। आगे है 61, यहाँ पर आपको इसे अक्षरों में लिखना है। उसी प्रकार अगला है 65, तो इसे हिंदी में जो संख्या है उसे लिखना है। उसी प्रकार ये है 68 है, इसे आपको यहाँ पर अक्षरों में और यहाँ पर इंग्लिश नंबर जो है लिखना है। उसी के साथ यहाँ पर 70 जो है हिंदी में आपको लिखना है। आगे देखेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 63 जो दिया है पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। 55 जो है हिंदी में किस प्रकार लिखा जाता है उसे लिखना है। 62 इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं, अक्षर तथा अंक दोनों यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है 51 यानी 51 किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी का संख्या और हिंदी की संख्या दोनों को लिखना है। उसके बाद है 56 जो है हिंदी में कैसे लिखते हैं और यहाँ पर अक्षरों में भी लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 53 यहाँ पर लिखा है हिंदी में, अंग्रेजी में 53 लिखना है और यहाँ पर अक्षरों में इसका यहाँ पर आपको। इस प्रकार जो है आज हमने गिनती 1 से 50 से 100 तक की जो गिनती है विस्तृत अध्ययन किया। इसे आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए और अगले वीडियो के साथ अगले अध्याय में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।